आज हम अचारी समोसा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार है। 500 ग्राम मैदा, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 110 ग्राम घी मौन डालने के लिए, गुनगुना पानी, 3 तरह के नमकीन अचारी मसाला और घी या तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम अपनी मैदा का डो तैयार करेंगे। मैंने सबसे पहले अपनी 500 ग्राम मैदा एक परात में छान के ले लिया। उसमें 110 ग्राम मैंने घी का मौन डाला है और 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन डालकर इसे गुनगुने पानी से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इस सॉफ्ट डो को हम हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से फूल सके और मौन भी हमारा अच्छे से हो सके। अब रेस्ट करने के बाद अपने डो की हम छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे, जितने बड़े साइज के हमें समोसे तैयार करने हैं। अब हम इसकी अचारी फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे अचार ले लिया है, उसका मसाला ले लिया है और उसको मैंने एक चलनी पे रख के उसका सारा तेल अलग कर लिया है। कोई भी घर के अचार का मसाला ले सकते हैं और उसका तेल अलग करना है, जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब मैंने इसे दूसरी प्याली में निकाल लिया है और इस मसाले को अलग रख लिया है। अब हम इसकी फिलिंग के लिए नमकीन तैयार करेंगे। इस समोसे में किसी भी तरह का नमकीन भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 तरह का नमकीन लिया है। 2 मिक्सचर मैंने मिक्सर जार में चलाए हैं, एक में मूंग की दाल है और एक थोड़ा मोटा नमकीन है। इसको मैंने हल्का पीस करके दरदरा कर लिया है, जिससे कि ये एकसार हो जाए। अब ये जब मिक्सर से पीस जाएगा तो इसमें हम अपनी दाल मोट मिला देंगे। यदि आप चाहें तो इसमें एक नमकीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 नमकीन का इस्तेमाल किया है, जिससे कि इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे और अपने समोसे तैयार करेंगे। मैंने अपने चकले पर एक लोई रख ली है और इसे समोसे की शेप के लिए पहले हम गोल बेलेंगे और इसे बीच से कट कर लेंगे। जब इसे हम बीच से कट करेंगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। इसके चारों कॉर्नर्स पर हम पानी अप्लाई करेंगे। याद रहे कि पानी हमें बीच में अप्लाई नहीं करना है, इसके चारों कॉर्नर पर पानी लगाना है और फिर हम जो हमें अचारी मसाला है उस पानी के बीच में हमें रखना है। यदि ये अचारी मसाला हमारे पानी के ऊपर आ जाएगा तो हमारे समोसे चिपकेंगे नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अचारी मसाले को हमें पानी के ऊपर नहीं लगाना है। अब इसको हम एक तिकोना शेप कर लेंगे और इसके बाद अपना जो नमकीन तैयार किया है उसे अंदर फिल करके अपने सभी समोसे तैयार करेंगे। यदि आप इसकी समोसे की शेप नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने दूसरी शेप भी बताई है, जिस तरह से मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है इस तरह से दूसरी शेप को भी बना सकते हैं और इसे भी उसी तरह से हमें बनाना है और इसे सेकना है। हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और उसमें अपना तेल डाल देंगे और उसे गर्म करेंगे। तेल हमारा जब मीडियम हॉट होगा तो इसमें अपने सारे समोसे डालकर हम इसे मीडियम आंच पर ही सेक लेंगे। जब अचारी समोसे हमारे सेक जाएंगे तो थोड़ा सा उनपे लाल रंग सा आ जाएगा, वो लाल रंग अचारी मसाले की वजह से होगा। और ये समोसे हमारे सेक कर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। रेसिपी को कभी भी बनाया जा सकता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें हमने कोई आलू की फिलिंग नहीं तैयार की है और ये सॉस चटनी के बिना भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हमारे समोसे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।